नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं किसान भारती। होली का त्यौहार आने में कुछ ही दिन शेष है। होली से पहले हम सभी लोग अपने घरों में चिप्स, पापड़ जैसे कई तरह के आइटम तैयार करते हैं। आज हम आपको ऐसे समय में चिप्स और पापड़ का बिजनेस शुरू करने की सलाह देंगे जिससे आप अच्छी कमाई कर सकें। पापड़ का इस्तेमाल न केवल भारत में किया जाता है बल्कि एशिया के कई देशों में भी किया जाता है। हमारे देश में पापड़ की डिमांड ज़्यादा है और आपूर्ति कम, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो इस बिजनेस का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। लिज्जत पापड़ का नाम तो शायद सभी ने सुना होगा। दरअसल ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका पापड़ पूरे देश में मिलता है, लेकिन इसे कंपनी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह एक प्रकार का सहकारी संगठन है जो महिलाओं द्वारा चलाया जाता है और पूरे देश में कई स्थानों से संचालित किया जाता है। लिज्जत के कई अन्य प्रोडक्ट्स भी हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ उन्हें रोजगार दिलाने का भी कार्य करता है। वैसे तो पापड़ उद्योग हमेशा चलने वाला बिजनेस है, लेकिन होली के समय आप इस बिजनेस के जरिए बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इसमें कितने रुपए खर्च होंगे। इस बिजनेस को आप 10,000 से लेकर 2,00,000 रुपए लगाकर शुरू कर सकते हैं। पापड़ बनाने के बिजनेस को सिर्फ 2,00,000 रुपए में किया जा सकता है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन NSIC ने इसके लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है। इसके जरिए आपको मुद्रा स्कीम के तहत आपको 4,00,000 रुपए का लोन सस्ते रेट में मिल जाएगा। कितनी जगह चाहिए होगी? आपको बता दें, पापड़ बनाने के बिजनेस के लिए कम से कम 250 वर्ग फुट की जगह जरूरत होगी। अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है तो आप किराए पर भी जमीन ले सकते हैं। पापड़ उद्योग के लिए कौन सी मशीनें चाहिए होंगी? पापड़ बनाने के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको स्विफ्टर, 2 मिक्सर, प्लेटफॉर्म बैलेंस, इलेक्ट्रिकली ऑपरेट ओवन, मार्बल टेबल टॉप, चकला बेलन, एल्यूमिनियम के बर्तन और रैक्स जैसी मशीनें की जरूरत होगी। कहाँ बेच सकते हैं प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाने के बाद आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बेच सकते हैं। ऑफलाइन आप इसे थोक व्यापारी और रिटेल व्यापारी को बेच सकते हैं। इसके अलावा सुपरमार्केट और बड़े रिटेलर से संपर्क कर सकते हैं। कितना होगा मुनाफा? अनुमान के हिसाब से निवेश का लगभग 20% तक की कमाई हो सकती है, यानी 1,00,000 निवेश करने पर लगभग 20,000 से 30,000 रुपये प्रति महीने की कमाई हो सकती है। कितनी होगी कमाई? कमाई आपके बजट पर डिपेंड करती है। यदि आप अधिक पूंजी निवेश करते हैं तो आप अधिक कमाई करेंगे और कम पूंजी निवेश करते हैं तो कम कमाई करेंगे। वैसे यह जरूरी नहीं है कि कम पूंजी लगाने पर कम कमाई होगी। यदि आपकी मार्केट की पकड़ अच्छी होगी तथा क्वालिटी अच्छी होगी तो आप बेहतर कमा सकते हैं। ज़्यादातर इस व्यवसाय को करने वालों का मानना है कि इसमें निवेश की गई पूंजी 10 से 20% तक कमाई हो जाती है, यानी यदि आप 1,00,000 लगाते हैं तो लगभग 20,000 रुपये एक महीने में कमा सकते हैं। बिजनेस को लेकर ध्यान रखने योग्य बात है, पापड़ ज़्यादातर अपने स्वाद और क्वालिटी के कारण बिकता है, जिससे उद्यमी के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह पापड़ के स्वाद तथा उसकी क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दें। पापड़ उद्योग में आपको मार्केट में काफ़ी कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ सकता है, इसलिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मार्केट तथा लोगों की डिमांड का मुआयना करना बहुत जरूरी हो जाता है। चूंकि पापड़ एक खाद्य पदार्थ है, इसलिए उद्यमी को BIS तथा FSSAI लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा कई अन्य कागजी कार्रवाई होती है। आप बिजनेस को शुरू करने से पहले जरूरी कार्रवाई कर लें ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या ना हो। बिजनेस के एक्सपर्ट का मानना है कि यदि आप तय नॉर्म्स का अनुपालन करते हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और ऐसी कोई समस्या आती भी है तो आप उसका मुकाबला करने की स्थिति में होंगे। इस वीडियो में इतना ही। बिजनेस आइडियाज़ के लिए देखते रहिए किसान भारती। धन्यवाद।